नमस्कार दोस्तों, आज 11/6/2021 को एक बड़ा ही अच्छा दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो अभिनेता थे उनके पिता ने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी, जिसको खारिज करते हुए उनके पिता कृष्ण किशोर सिंह जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आज बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान सुशांत सिंह के पिता की उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे का नाम या उनकी पसंद को प्रस्तावित फिल्मों में इस्तेमाल करने से रोका जाए। सुशांत के जीवन पर आधारित आगामी या प्रस्तावित फिल्मों में न्याय, द जस्टिस, आत्महत्या या हत्या, ए स्टार वाज लास्ट, वह शशांक है, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रिलीज पर से रोक हटाने पर जाने माने वकील एपी सिंह जी ने खुशी जताई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने पिछली तारीख पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने फिल्म के निर्माता और निर्देशकों को कहा कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता है तब तक फिल्म रिलीज़ ना करें। अब फैसला आने के बाद फिल्म रिलीज़ की जा सकेगी। सुनवाई के दौरान फिल्म न्याय द जस्टिस के निर्देशक की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता चंद्रलाल ने कहा था कि इस फिल्म सुशांत का नाम या उनकी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह फिल्म सुशांत की बायोपिक नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म के रिलीज़ के बड़े स्तर पर प्रचारित किया जा चुका है, ऐसे में इसे रोकने पर आश्वासन नहीं दे सकते। सुशांत के पिता ने याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे का नाम या उनकी पसंद को प्रस्तावित फिल्मों में इस्तेमाल करने से रोका जाए। उन्होंने कहा था कि सुशांत के जीवन पर आधारित आगामी या प्रस्तावित फिल्मों में न्याय द जस्टिस, आत्महत्या या हत्या, ए स्टार वाज लास्ट, शशांक है। आरोप लगाया था कि फिल्म निर्माता स्थिति का लाभ उठाने के लिए इस तरह की फिल्म बना रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें अंदेशा है कि इस तरह की विभिन्न नाटक, फिल्में, वेब सीरीज़, किताबें, साक्षात्कार या अन्य सामग्री प्रकाशित हो सकती हैं जो उनके बेटे या उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने इसके लिए 2 करोड़ रुपये का मुआवजा फिल्म निर्माताओं से मांग की है। इस सभी वाक्य पर डॉक्टर एपी सिंह जी ने बड़ी ही खुशी जाहिर की है। देखिए उनका कहना क्या है। एक बात है, आज हमारे लिए जीत का दिन है और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत हमारी नहीं बल्कि सभी फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से समाज को दिशा देने के लिए ऐसी फिल्मों का निर्माण किया था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका की वजह से कार्य बाधित हुआ। ये याचिकाएं चली, मैराथन सुनवाई हुई, दिल्ली हाईकोर्ट उस पर सुनवाई की। लेकिन आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि सारी फिल्में समय पर रिलीज होंगी और जो भी अहमदाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आदेश है, हम उसकी पालना करेंगे और जो भी उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर है फिल्म शशांक को और जस्टिस है, न्याय है, सोसाइटल है, जिस तरह से फिल्में हैं जिनके ऊपर केस पड़े थे, वो सभी समय पर रिलीज होंगी, प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार रिलीज होंगी। और इसमें से इन फिल्मों से मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इन फिल्मों से समाज को दिशा मिलने का काम होगा। इन फिल्मों से समाज युवाओं को हमारे युवा आत्महत्या की तरफ चले जा रहे हैं, आत्महत्याओं की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ेंगे और नशा से भी दूर होंगे। क्योंकि आपने इस केस के बाद देखा मुंबई फिल्म नगरी किस तरह से नशे की गिरफ्त में थी, उन सबसे बचत के लिए अवसर मिलेगा। और ये फिल्में जो रिलीज होंगी समय पर, इनसे सभी को, हमारे युवाओं को समय पर दिशा भी मिलेगी और सही मिलेगी। क्योंकि फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा अर्थ होता है, चाहे वो फिक्शन पे आधारित हो, चाहे क्रिएटिविटी पे आधारित हो, लेकिन नकारात्मकता को हटाना है, सकारात्मकता को लाना है। जब सकारात्मकता जीवन में फिल्मों के द्वारा आती है, नायक और नायिकाओं के द्वारा आती है, तो निश्चित तौर पर जीवन में बदलाव आता है, सुधार आता है, प्रेरणा मिलती है। और ये सारी फिल्में जीवन में सकारात्मकता देने वाली है। इसीलिए ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के संजीव नरूला साहब, जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। आज हमारे सबके लिए नहीं, देश के करोड़ों लोगों के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोअर्स थे, समर्थक थे, हीरो के रूप में उसको जानते थे, उनको भी बड़ी खुशी मिलेगी जब वो सारी फिल्में देखेंगे। और देखने के बाद उन्हें मिलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत वास्तव में सच्चा हीरो था। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या
क्या हुआ या नहीं हुआ या जो भी है, जो भी जिस तरह से आधारित है, आधारित है। और वास्तव में जो मेहनत की गई थी लोगों ने, वो भी मेहनत सफल हुई है और सफल है। और इसी तरह से शशांक फिल्म, जबकि शशांक फिल्म का इस फिल्म से कोई बहुत ज्यादा लेन देन नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से, लेकिन फिर भी वो नेपोटिज्म पर आधारित थी, भाई भतीजावाद पर आधारित थी, हार्डवर्क था। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी जो मुंबई फिल्म नगरी में स्थापित हुए हैं, आज स्थापित है, लेकिन स्थापित होने से पहले उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, बहुत अपने जीवन में झेला है, वो इन फिल्मों के द्वारा दर्शाया गया है और इसलिए बहुत